वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020। कोरोना काल में पड़ेगा जन्म दर पर असर, घट सकती है 50% जन्म दर। स्पेनिश फ्लू में भी दिख चुका है असर। ग्यारह जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा सबसे पहले 11 जुलाई 1999 को की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये था कि दुनिया का हर एक व्यक्ति बढ़ती जनसंख्या की ओर अवश्य ध्यान दे और जनसंख्या को नियंत्रित करने में अपना योगदान भी जरूर करे। लेकिन जनसंख्या में हर दिन वृद्धि हो रही है। हालांकि साल 2020 में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे बहुत कुछ बदलाव होने की आशंका है। 50% घटेगी जन्म दर। कोरोना के शुरुआती दौर मार्च अप्रैल में लॉकडाउन के साथ यूनिसेफ समेत तमाम एजेंसियों ने अनुमान लगाया था कि दुनिया में जन्म दर तेजी से बढ़ेगी और अगले साल आबादी पर इसका असर दिखेगा। हालांकि मई जून और जुलाई में कोरोना के बढ़ते कहर के साथ अब अमेरिका, यूरोप और तमाम एशियाई देशों में जन्म दर में 30-50% तक की कमी का अनुमान जताया गया है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सर्वे के अनुसार कोरोना काल जनसंख्या में उछाल की बजाय गिरावट का कारण बनेगा। यूरोपीय देश इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन की बात करें तो 18 से 34 साल की उम्र के 50-60% युवाओं ने परिवार आगे बढ़ाने की योजना को एक साल तक के लिए टाल दिया है। भारत में असर। अब सवाल ये उठता है कि भारत में इसका क्या असर होगा, क्या भारत में जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी। तो आपको बता दें कि यूनिसेफ ने भारत में मार्च से दिसंबर के बीच सर्वाधिक 2 करोड़ और चीन में 1.3 करोड़ बच्चे जन्म लेने का अनुमान लगाया था। हालांकि बदले हालात में इसमें कमी का अनुमान है। भारत के 13 जिलों में प्रजनन दर पहले ही काफी नीचे आ चुकी है। सेव द चिल्ड्रन के प्रोग्राम एवं पॉलिसी इंपैक्ट के मुताबिक भारत के शहरी और ग्रामीण परिवेश में कोविड 19 का प्रभाव जन्म दर पर अलग अलग दिख सकता है। कुपोषण, टीकाकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य को लें तो कोविड का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर ही पड़ा है। ऐसे में युवा परिवार को आगे बढ़ाने या ना बढ़ाने को लेकर क्या कदम उठाते हैं या वाला समय ही बता पाएगा। पहले भी दिख चुके हैं प्रभाव। ऐसा नहीं कि कोरोना दौर में ही सिर्फ जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा हो। इससे पहले भी जब जब कोई कहर धरती पर टूटा है तब तब इसका असर जनसंख्या वृद्धि पर देखने को मिला। उदाहरण के तौर पर स्पेनिश फ्लू के दौरान भी जन्म दर घटी है। 1918 से 1919 के स्पेनिश फ्लू के दौरान दुनिया में न केवल 10 करोड़ लोग मारे गए बल्कि बच्चों के भी बीमारी की चपेट में आने की आशंका से जन्म दर में 50% कमी आई। वहीं अगर बात करें आर्थिक मंदी के समय की तो 1930 की भयानक आर्थिक मंदी के दौरान भी जन्म दर 20% तक गिरी थी और 2008 की मंदी के दौरान भी अमेरिका और यूरोपियन देशों में इसका प्रभाव देखा गया था। भारत की डिजिटल आबादी। भारत की जनसंख्या इस समय लगभग 1,38,74,00,000 है। इस समय कोरोना वायरस जनित महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में इंटरनेट लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। तो आपको बता दें कि भारत की मौजूदा डिजिटल जनसंख्या कितनी है। भारत के कुल इंटरनेट यूजर्स की बात करें तो जनवरी 2020 में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की कुल संख्या देश की 687.6 मिलियन थी और बीते एक साल में यानी 2019 की तुलना में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में 128 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है। बात करें देश में इंटरनेट पेनेट्रेशन यानी इंटरनेट की पहुंच की तो जनवरी 2020 में यह आंकड़ा कुल आबादी का 50% था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।